राम राम जी। क्या हाल है सारे का? रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत। और भाई आज आपके लिए दो बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। तो अपडेट क्या कुछ रहने वाली है, अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और साथ ही भाई जो साथी चैनल बनाया आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाए ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों जरूर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं अपने टाइम वेस्ट की वीडियो। तो साथियों आज आपको जो है दो बड़ी अपडेट बताने जा रहे हो भाई। एक तो हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है भाई, और दूसरी जो है टीजीटी व ग्रुप डी भर्ती के जो रिजल्ट आना है उसको लेकर के भाई दोनों भर्तियों लेकर अपडेट दूंगा भाई। तो सबसे पहले अपडेट कर ले बात कर लेते हैं भाई। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर सिपाही की पुरानी भर्ती पर सामाजिक आर्थिक मानदंड बारे हाईकोर्ट का फैसला लागू होगा या नहीं एचएसएससी जांचेगा। तो हाईकोर्ट ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दिए निर्देश। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन का दावा, हाईकोर्ट में बाद में बता दिया था कि पुरानी भर्ती पर पुराना नियम लागू होगा। तो हरियाणा पुलिस की सब इंस्पेक्टर और सिपाही पदों पर हुई पुरानी भर्ती पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को असंवैधानिक बताने वाले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला लागू होगा या नहीं है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जांचेगा। और हाईकोर्ट ने वीरवार को सुनवाई के दौरान जो है कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए समय आयोग को जो है ये निर्देश दिए, मगर याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत सिंह चौहान ने जो है दैनिक सवेरा के पूछने पर दावा किया कि हाईकोर्ट वीरवार को सुनाई के दौरान जो है राज्य के वकील ने स्टेटमेंट दी थी कि ये याचिका गत 31 मई को दिए गए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बारे हाईकोर्ट के फैसले से कवर होती हैं, इसलिए इन भर्तियों का रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा और इसलिए हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। मगर एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने दैनिक सवेरा पूछने पर बताया कि हाईकोर्ट के सामने दोबारा राज्य के वकील ने जानकारी दी कि ये भर्तियाँ पुरानी है और तब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को डबल बेंच ने सही ठहराया हुआ था और सरकार की सराहना भी की थी। इसके बाद खंडपीठ ने आयोग को निर्देश दिया कि वह यह देखे कि क्या ये भर्तियाँ हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के दिए फैसले के अंतर्गत आती हैं या नहीं आती हैं। तो याचिकाकर्ता के वकील का दावा भाई, हाईकोर्ट में राज्य के वकील ने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला लागू होगा। मूल याचिका में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक एससी बीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को दिए गए अंकों को गलत करार दिया हुआ है। तो याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत सिंह चौहान ने जो है दैनिक सवेरा पूछने पर कहा कि मूल याचिका सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती से संबंधित थी, इसमें कुछ अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आयोग की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने को चुनौती दी गई थी। और याचिका में कहा गया था कि जो उम्मीदवार ऐसी जातियों यानी उमुक जातियां टपरिवार जातियों से संबंधित हैं जो नए तो अनुसूचित जाति और नए पिछड़े वर्ग में शामिल हैं उनको जो 5 अंक देने का प्रावधान था, मगर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को ये अंक दिए हुए थे। इसी तरह से कुछ अन्य याचिकाओं में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को भी इसी तरह अंक दिए हुए थे। तो याचिकाओं में आयोग की तरफ से दिए गए इन गलत अंकों को चुनौती दी गई थी। और वीरवार को जब इन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी तब राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि चूंकि गत 31 मई को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को हाईकोर्ट असंवैधानिक करार दे चुकी है, इसलिए ये याचिकाएं भी इसी फैसले में कवर होती हैं और आयोग इन भर्तियों के रिजल्ट को संशोधित कर जारी करेगा। तो इस पर खंडपीठ ने याचिकाओं का निपटारा कर दिया, चूंकि राज्य के वकील ने कह दिया था कि इनमें रिजल्ट रिवाइज होगा इसलिए केस मेरिट पर नहीं लड़ा गया। दैनिक सवेरा ने एडवोकेट प्रशांत सिंह चौहान को बताया कि एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने दैनिक सवेरा पूछने पर जानकारी दी कि खंडपीठ को दोबारा जानकारी दी गई थी कि याचिकाएं जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के पुराने फैसले में कवर होती हैं जिन्हें खंडपीठ ने सही ठहराया हुआ, और तब खंडपीठ ने एसएससी को जो एचएसएससी को जो है निर्देश दिए हैं कि वह जांचे कि ये याचिकाएं नए फैसले में कवर होती हैं या नहीं। तो इस पर प्रशांत सिंह ने कहा कि अगर उनके सामने यह दलील आती है तो वे मेरिट पर केस की पैरवी करेंगे और अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रिव्यू एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग स्पीकिंग ऑर्डर पारित करेगा एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन। दैनिक सवेरा ने पूछा कि हाईकोर्ट में पुलिस की पुरानी भर्ती में जो सरकार की तरफ से रिवाइज रिजल्ट करने के राज्य के वकील की तरफ से स्टेटमेंट दिए जाने की सोशल मीडिया पर खबरें घूम रही है, इस तथ्य में क्या वास्तविकता है? तो दैनिक सवेरा ने यही सवाल सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन से पूछा। तो एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने जवाब दिया कि यह पुरानी भर्ती और इसमें मामला तो उम्मीदवारों को गलत अंक दिए जाने संबंधित था, मगर राज्य के एक वकील ने पहले दी थी कि यह भर्ती जो 31 मई 2024 के फैसले में कवर होती है, मगर सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन ने हाईकोर्ट की खंडपीठ से दोबारा आग्रह कर दलील दी कि जिस समय की यह भर्ती है उस समय सामाजिक आर्थिक मानदंड की नीति को डबल बेंच ने सही ठहराया हुआ है, इसलिए इस पर जो 31 मई 2024 का फैसला लागू नहीं होता है। तब खंडपीठ ने लिखे जांच के ऑर्डर में यह ऐड करवाया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यह जांच करे कि क्या इन भर्तियों पर 31 मई 2024 का फैसला लागू होगा। तो दैनिक सवेरा के पूछने पर सीनियर एडवोकेट जनरल श्रुति जैन ने जो कहा कि हाईकोर्ट
के निर्देश के बाद जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस याचिका पर जो स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेगा, और स्पीकिंग ऑर्डर में आयोग को बताना होगा कि इस भर्ती पर पुराना मानदंड लागू होंगे या हाईकोर्ट का नया फैसला लागू होगा। तो साथ में याचिका में उन सवालों का जवाब भी लिखना पड़ेगा जिन पर कहा गया कि जो है उम्मीदवारों को गलत अंक दिए गए थे। अब दूसरी बड़ी अपडेट बात कर लेते हैं टीजीटी व ग्रुप डी को लेकर के। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एडवोकेट जनरल ने जो है ग्रुप डी का रिजल्ट जारी करने की कानूनी राय भेजी। ग्रुप डी सीटी का रिजल्ट बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों के जारी होगा और उसके बाद जो ग्रुप डी के सभी पदों के लिए चयन सूची जारी होगी। पहले से चयनित उम्मीदवार सुरक्षित। तो वही हरियाणा एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप डी के रिजल्ट जारी करने के लिए कानूनी राय भेज दी है। अब ग्रुप डी सीटी का रिजल्ट बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के जारी होगा और उसके बाद ग्रुप डी के पदों के लिए चयन सूची जारी की जाएगी। खास बात यह है कि ग्रुप डी के जो उम्मीदवार पहले ही चयनित हो चुके हैं और नियुक्ति पा चुके हैं वे सभी सुरक्षित हैं। तो आयोग ने ग्रुप डी पदों बारे जो है एडवोकेट जनरल कार्यालय में जो है पत्र भेजकर कानूनी राय मांगी थी। तो दैनिक सवेरा ने जो है एडवोकेट जनरल से ग्रुप डी पदों के बारे में पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि हमने आयोग को कानूनी राय भेज दी है और चूंकि ग्रुप डी पदों पर जो रिजल्ट पहले जारी हुआ था सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों के बगैर था और हाईकोर्ट के फैसले की उसमें जो है पहले ही पालना हो रही है और इसीलिए जो उम्मीदवार पहले चयनित हो चुके हैं वे सभी सुरक्षित हैं। तो ये आप देख सकते हैं भाई, अब बता देते हैं भाई ग्रुप डी के सभी पदों पर चयनित सूची जारी होगी। सीनियर डिप्टी एजी दैनिक सवेरा ने जो है सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन से जो पूछा है क्या ग्रुप डी के सभी विज्ञापित पदों के लिए चयन सूची जारी होगी और क्या ग्रुप डी के सीटी का रिजल्ट केवल प्राप्त अंकों के आधार पर जारी होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि चूंकि ग्रुप डी के लिए सीटी होता है और सीटी के बाद जो दूसरा नॉलेज टेस्ट नहीं होता है तो केवल सीटी के आधार पर ही ग्रुप डी के पदों की जो चयन सूची जारी की जाएगी। तो इसीलिए जो है हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के फैसले अनुसार जो है ग्रुप डी के सीटी का रिजल्ट सीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर जारी होगा और उसके साथ ही जो है ग्रुप डी के सभी विज्ञापित पदों के लिए चयन सूची जारी होगी। हालांकि जो चयन सूची पहले जारी हो रखी है और नियुक्ति दी जा चुकी है तो वे सभी सुरक्षित है क्योंकि उनका चयन सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर हो रखा है। तो गौरतलब है कि ग्रुप डी के लगभग 13,500 पद विज्ञापित हैं। तो भाई मुख्य सचिव ने ग्रुप डी रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, मैंने आपको जो कल अपडेट दे दी थी अपने चैनल के माध्यम से, कल वाली वीडियो देख लेना। टीजीटी पदों का रिजल्ट फिलहाल नहीं। तो दैनिक सवेरा ने जो है एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से जो है टीजीटी पदों को लेकर पूछा, तो उन्होंने बताया कि टीजीटी पदों पर जो हाईकोर्ट में कुछ अन्य केस भी हैं तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों वाले केस का निपटारा हो चुका है, इसीलिए दूसरे मामलों को रखा जा रहा है, उसके बाद जो रिजल्ट तय करेंगे और फिलहाल जो है टीजीटी का रिजल्ट नहीं निकालेंगे। तो ग्रुप सी के 20 ग्रुपों के चयनित उम्मीदवार बारे फिलहाल जल्दबाजी नहीं। तो ग्रुप सी के जिन 20 ग्रुपों के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल चुकी है तो उनके बारे में अगले कदम के बारे में पूछने पर एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा कि हाईकोर्ट ने पहले 6 महीने की मोहलत दी हुई है, अभी तो जो अन्य पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इन 20 ग्रुपों बारे में जो है बाद में देखेंगे। तो ये भाई लेटेस्ट अपडेट थी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक रिकमेंड करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।